जहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम गेस्ट बन के आए हैं और वहाँ पे वो लोग हमें सर्व करेंगे 56 आइटम तवे या की। ये पूरी गुजराती थाली रहती है, इसमें टोटल 2 मिनट दिखाना। ये है भैया का वो बाउल, यहाँ पे सर्विस ऐसी रहती है, आप ऐसे ये लेके आते हो, ये भैया पूरा ऐसे आप देख पा रहे हो ऐसे यहाँ पे लेके आते हैं, पूरा पैकेज ही रहता है इनका। तो आपको सिर्फ एक कांटेक्ट करना है, वो आपको पूरा पैकेज दे देंगे, आपकी पूरी इवेंट को संभाल लेंगे। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और ड्रिंक सेरेमनी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ऑल आर इवेंट ऑर्गेनाइज, यानी 250 लोगों तक का आपका कुछ इवेंट रहेगा। कुछ भी इवेंट रहा, मैरिज का रहा या फिर बर्थडे का रहा, कुछ भी कॉर्पोरेट इवेंट रहा, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वेज हंगामा, दो सब्जी रहती है ऐसा, और ये आगे हमारी तंदूरी रोटी। ये रही हमारी पंजाबी डिश जिसमें 2 सब्जियां है, एक स्टार्टर है, सूप है, यहाँ पे गुलाब जामुन है और सीरा है, छाछ है और ये है बटर रोटी। और ये हमारी गुजराती थाली, गुजराती थाली में 2 फरसान है, भजिया है, ढोकला है, रोटी है, दाल है और ये रहती पूरी गुजराती थाली। Hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. Let's explore. तो घर पे हम लोग जब 56 आइटम बनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि लोग घर पे गेस्ट आ रहे हैं या मेहमान आ रहे हैं तब जाके हम लोग इतनी सारी आइटम बनाते हैं, फरसान से लेके स्वीट्स बनाते हैं, पूरी रहती है, रोटी रहती है। तो आज हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम गेस्ट बन के आए हैं और वहाँ पे वो लोग हमें सर्व करेंगे 56 आइटम। जगह का नाम है 56 भोग। तो यहाँ पे बात करते हैं भैया से। भैया क्या नाम है आपका? किशोर भाई नाम है। पहले ही वो बता दो कि ये शुरुआत कैसे हुई, कब से शुरुआत की? हमारा 2014 में हुआ था, हमारा स्टार्ट 2014 से 8 साल रनिंग हो गया। अच्छा, और एक ही ब्रांच है? हाँ, हमारी अभी एक ही ब्रांच, गांधीनगर में एक ही ब्रांच। और टाइमिंग क्या रहता है वो बता दो। टाइमिंग सुबह रहता है 10 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे क्लोज होता है बाकी 7 बजे से 11 बजे तक हमारा टाइमिंग। क्या नाम है सर आपका? विवेक भाई। बताइए। 56 आइटम हमने लॉन्च किया था इन स्टार्टिंग, आफ्टर कोविड के बाद हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया। अच्छा। उसमें पंजाबी अनलिमिटेड थाली और गुजराती अनलिमिटेड थाली। ओके, यानी अलाकार्ट और बैंकेट का हमारा पार्टी पैकेज जो अलग अलग है और अकॉर्डिंग सर्विस। आप लोग पार्टी और बैंकवेट का भी करते हो? हमारा तो उसके लिए फोन नंबर बता दो, अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना हो तो स्क्रीन पे आप पे आ जाएगा। आपका नंबर कुछ बता दो। 9824233121। अच्छा, 3312। तो ये नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, अगर किसी को भी कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन, कितना बैंकवेट कितना बड़ा है, 250 पीपल के लिए अनलिमिटेड जो यहाँ पे थाली खाने आता है, उसमें क्या क्या 2-4 स्पेशलिटी बताएं कि वो खाने लोगों को आना ही बनता है। यस, हमारा पंजाबी में अनलिमिटेड पैकेज होता है 289 की जीएसटी पर पर्सन। उसमें रहता है एक सूप रहता है, स्टार्टर रहता है, पनीर की सब्जी, एक वेज की सब्जी, जीरा राइस, दाल फ्राई, छाछ, पापड़, बटर मिक्स, ये सब अनलिमिटेड रहता है। सलाद सेम गुजराती में ना, 2 फरसान रहेगा, 4 सब्जी रहेगी, सूप से लेके सूप से मेन जो इंडियन लोग होते हैं उनको स्वीट्स पे ज्यादा फोकस रहता है। स्वीट्स कितनी है? हमारे गुजराती में स्वीट 2 रहती है और पंजाबी में भी 2 स्वीट। अच्छा, 2 स्वीट्स रहती है। एड्रेस क्या है एक बार? एड्रेस सिद्धराज जयवाड कॉम्प्लेक्स, नियर गोड़ा ऑफिस, सिद्धराज कॉम्प्लेक्स, सिद्धराज जयवाड कॉम्प्लेक्स, जयवाड, सिद्धराज जयवाड कॉम्प्लेक्स, नियर गोड़ा ऑफिस, नियर गोड़ा ऑफिस, सरगासन क्रॉस रोड, सरगासन क्रॉस रोड पे। तो चलिए बिना देरी के अब मैं यहाँ पे इनका मेन्यू दिखाता हूँ और ट्राई करता हूँ इनका खाना और हमको कैसा लगता है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बैंकवेट दिखा देता हूँ। बैंकवेट का एंट्रेंस है पूरा मूवेबल है, आपकी जितने कैपेसिटी रहता है पीपल्स नंबर ऑफ पीपल उस हिसाब से। और ये रहा पूरा उनका बैंकवेट, बैंकवेट दिखा, ये 150 आपकी पूरी इवेंट को संभाल लेंगे। पहले आपको मैं ट्राई करके दिखाऊंगा गुजराती थाली, फिर ट्राई करूंगा पंजाबी थाली। हमने दोनों ऑर्डर किए क्योंकि आपको दोनों का टेस्ट बता पाऊं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फरसान के साथ। फरसान में यहाँ पे आलू के भजिया है, साथ में यहाँ पे हमें चटनियाँ दी है, ग्रीन चटनी है, साथ में केचप है और साथ में छुंदा है।
क्योंकि गुजराती डिश है तो उसमें छुंदा आचार ये सारी चीज़ होती है। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे पूरी भी दी है और रोटी भी है, तो मैं ट्राई करता हूँ पूरी के साथ। चम्मच लेता हूँ, चम्मच दे। मेरे को इसमें से देखो सब्जी कौन सी पसंद है, मेरे को आलू की पसंद है, बैंगन नहीं पसंद है, तो मैं ये सेव टमाटर है वो ट्राई करता हूँ। ये रहा हमारा पहला बाइट गुजराती थाली से, छप्पन भोग से। टेस्ट एकदम बढ़िया है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं घर पे खा रहा हूँ, एकदम घर जैसा टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। उसका जो काठियावाड़ी और गुजराती टेस्ट है तब वो है। पंजाबी में यहाँ पे सबसे पहले सूप है, एक कॉर्न वाला लेमन कॉर्न समथिंग है उसका सूप है, एक टाइप का सूप रहता है यहाँ पे पंजाबी में। अच्छा उसका ठीक है, बढ़िया से। अब जो हम ट्राई करते हैं उनका जो फरसान में ये कॉर्न वाली टिक्की है, साथ में हम लेंगे ग्रीन चटनी। ये आ गई ग्रीन चटनी, बढ़िया सा टेस्ट है। जो मेन चीज रहती है पंजाबी में वो है उनकी जो सब्जियों का टेस्ट। यहाँ पे साथ में बटर रोटी दी है, पनीर वाली सब्जी है। ये आया बड़े बड़े पनीर के पीसीज है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है तो छोटे छोटे पीस है। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट है, तो ओवरऑल मेरे को मजा आ गया। साथ में इसके साथ रहता है पंजाबी में, गुजराती में क्या रहता है, दाल चावल रहता है या खिचड़ी रहता है? दाल चावल रहता है, तो गुजराती में साथ में दाल चावल रहता है और पंजाबी में जीरा राइस और दाल फ्राई रहती है। ओवरऑल मेरे को मजा आ गया, 289 समथिंग है प्राइसिंग, तो ओवरऑल जगह बहुत बढ़िया है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। तो आप कभी भी गांधीनगर में आ रहे हो और बूढ़ा की जो ऑफिस है GUDA और सरगासन चौकड़ी के वहाँ से जा रहे हो तो आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो छप्पन भोग। तो यहाँ पे आके विजिट करना, और आपको अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट डाउन करना कि आपको यहाँ पे कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस और खाना कैसा लगा। और अगर आपको और ऐसे ही बेहतरीन से फूड वीडियोस देखने हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में और एक और नए खाने की जगह पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।